खेल गतिविधियों के शुरू होने के बाद सुजानपुर ऐतिहासिक मैदान की रौनक फिर से लौट आई है। हाल ही में जारी SOP गाइडलाइन के तहत खेल गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिला स्पोर्ट्स संघ के सौजन्य से सुजानपुर मैदान में निशुल्क हॉकी प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। विशेष रूप से NIS कोच खेल प्रशिक्षक ने सुजानपुर मैदान में पहुंचकर हॉकी के शौकीन छात्र खिलाड़ियों को निशुल्क ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 4 दर्जन के करीब छात्र खिलाड़ी इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। प्रातः और शाम को दिन में 2 बार हॉकी खेल की बारीकियां इन्हें सिखाई जा रही हैं। विशेष रूप से लड़कियां हॉकी खेलने में आगे आ रही हैं। खेल प्रशिक्षक तभी खरवाल जो जिला कांगड़ा से संबंध रखती हैं, रोजाना सुजानपुर मैदान में पहुंचकर छात्र खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखा रही हैं। उनकी माने तो जिला स्पोर्ट्स संघ की ओर से DSO रविशंकर राजकीय विद्यालय सुजानपुर के DP कुणाल शर्मा ने कुशल नेतृत्व में तमाम चीजें संपन्न हो पाई हैं। वर्तमान में सभी छात्र खिलाड़ियों को जिला स्पोर्ट्स संघ की ओर से तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ COVID-19 के चलते किसी भी तरह की अप्रिय बात ना हो उसका पूरा ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी प्रशिक्षु खिलाड़ियों को संघ की ओर से निःशुल्क हॉकी स्टिक उपलब्ध करवाई गई है। सैनिटाइजर के साथ साथ तमाम जो सावधानियां हैं उनका भी पूरा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। खेल प्रशिक्षक तवी खरवाल NIS हॉकी कोच ने बताया कि सुजानपुर मैदान विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बात ट्रैक की हो या फिर स्किल एक्टिविटी करने की, तमाम कार्य को करवाने के लिए इस मैदान का भरपूर फायदा लिया जा सकता है और जिसका फायदा लिया भी जा रहा है। वर्तमान में सफाई एवं ग्रास कटिंग को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। अगर इस समस्या का भी हल हो जाए तो छात्र खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने में और सुविधा मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से DP कुणाल शर्मा के साथ साथ स्पोर्ट्स अधिकारी रविशंकर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है। वर्तमान में राजकीय विद्यालय सुजानपुर, कन्या विद्यालय सुजानपुर एवं महाराजा संसार चंद विद्यालय सुजानपुर के छात्र खिलाड़ी हॉकी सीखने के लिए रोजाना प्रातः और शाम यहां पहुंच रहे हैं। सर, एक्चुअली जैसे 29th को हमें SOP की जो गाइडलाइंस आई है उसके थ्रू हम लोगों को ये पता चला कि इतने टाइम से जैसे हमारा सेशन नहीं चल रहे थे, तो 29th से अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ही बच्चों को ग्रेजुअली पता चला कि हमारे सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये धीरे धीरे अब जैसे आ रही हैं लड़कियाँ, काफ़ी स्ट्रेंथ हो चुकी हैं इन लोगों की। अभी 40 अराउंड गर्ल्स एंड बॉयज़ आ चुके हैं, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और MSC के हैं और हिमाचल पब्लिक स्कूल के हैं। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग में रेगुलर आ रहे हैं बच्चे। और अभी जैसे प्रैक्टिस के बाद जैसे अभी हमें लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम किसी टूर्नामेंट वगैरह के लिए जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और कुणाल सर की सपोर्ट से और हमारे जो DSO सर हैं उनकी सपोर्ट से हमारा सेशन यहाँ पे अच्छा चल रहा है। इक्विपमेंट्स हमारे पास सारे हैं, कोन्स हैं और बाकी ग्राउंड हमारे को फैसिलिटी मिल रही है सुजानपुर में, तो अच्छी ट्रेनिंग कर रही है गर्ल्स और अच्छा रिजल्ट देंगी, होप सो। और अभी जैसे थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का जो है मैटर, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जैसे बच्चे जो इक्विपमेंट्स हैं अपना अपने यूज़ करते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते और मास्क को हम वैसे यूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग जब हम प्लेइंग कर रहे हैं तब बच्चे मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, साइड में रखा हुआ इन्होंने। और सैनिटाइज़र है इनके पास और सैनिटाइज हम डेली इक्विपमेंट्स को करते हैं। और ग्राउंड हम लोगों को सुजानपुर में काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, जैसे कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है तो हम लोगों को वहाँ पे ट्रैक यूज़ कर लेते हैं हम लोग मॉर्निंग में, उसके बाद स्किल वर्क करने के लिए हम पर्टिकुलर इस एरिया में आ जाते हैं। पर प्रॉब्लम थोड़ा सा ये कि आजकल थोड़ा सा क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, तो होप सो अगर ये क्लीन हो जाए ग्राउंड थोड़ा सा, यहाँ पे जो घास है वो थोड़ा पूरा कट जाए, तो हम लोगों को बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएंगी कि हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे खेल सकते हैं।